हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल SSRD ब्लॉगर में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मेरे शहर यानी कि हरदोई का रेलवे स्टेशन घुमाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे हरदोई का स्टेशन रोड और ये मतलब चौराहा है। स्टेशन की तरफ जाते हुए जो मतलब रोड पड़ती है तो वहाँ का ये चौराहा है। तो चौराहे पे छोटा सा मंदिर भी है जो आपको एरो दिख रहा है, तो ये राधा कृष्ण का मंदिर बोलते हैं। तो इसमें हनुमान जी, राधा कृष्ण की मूर्ति और दुर्गा माता की मूर्ति रखी हुई है। ये काफ़ी पुराना मंदिर है और जो ये सामने रोड चली गई है ये जेल रोड की तरफ जाती है और जिनपी चौराहा की तरफ ये रोड जाती है। ये देखिए, हमें जाना है दूसरी साइड यानी कि स्टेशन की ओर। तो ये देखिए, हम लोग स्टेशन की तरफ जा रहे हैं और आगे जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये स्टेशन का पूरा व्यू कि किस तरीके से हमारा स्टेशन बना हुआ है, रेलवे स्टेशन मतलब। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर उत्तर रेलवे हरदोई, आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा। और ये साइड में देखिए, इस तरीके से ऑटो यहाँ पे खड़े रहते हैं, हर समय ऑटो की सुविधा आपको उपलब्ध रहेगी। और यहाँ पे ये लिखा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो यहीं पे पहले मतलब 2-3 साल पहले यहाँ पे टिकट भी मिलते थे, लेकिन अब वो यहाँ पे टिकट मिलना बंद कर दिए हैं और दूसरी साइड से जो है टिकट मिलते हैं। तो थोड़ा सा साइड में वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी बाद में। तो ये देखिए, अभी मैं जो ये रेलवे स्टेशन का गेट है ना, वहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो खिंचवा रहे थे, तो मैंने जो मोबाइल है ना गुप्ता जी को पकड़ाया, तो वो मतलब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शूटिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हिला रहे हैं मोबाइल को। तो चलिए कोई बात नहीं, सब सीखते सीखते सीख जाते हैं। और यहाँ पे ये ATM मशीन है, तो ये तो मुझे लगता है ख़राब पड़ी हुई, नहीं चल रही है इस समय। और ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पे ये खिड़की वगैरह जो रूम नहीं होता है पूछताछ के लिए, तो इस तरीके से। और ये गेट है, दो गेट लगे हुए यहाँ पे, तो एक गेट से हम लोग एंटर हुए, एक गेट में जो ताला पड़ा हुआ है अभी। और ये बने हैं ऊपर जो नहीं बने होते हैं प्लेटफार्म जो क्रॉस करने के लिए सीढ़ियाँ, तो यहाँ पे दो बनी हैं, एक तो स्टेशन से चढ़ने के लिए, स्टेशन से बाहर जाने के लिए और एंटर होने के लिए, और एक बनी है प्लेटफार्म के लिए जो कि ट्रेन को चेंज करने के लिए बनी होती है। और ये देखिए, इस तरीके से पूरा प्लेटफार्म बना हुआ है। और अभी यहाँ पे एक मालगाड़ी भी खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं प्लेटफार्म नंबर 1 पे यानी कि 1। और यहाँ पे ये देखिए, कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ रहता है कि अमानती सामान जो है आप यहाँ पे रखा जाता है, जैसे रूम वगैरह बने हुए हैं ना, और यहाँ पे थूके जाने पे जो जुर्माना लगता है वो उसके बारे में नोटिस लगाई गई है। ये देखिए, मालगाड़ी खड़ी, तो यहाँ पे पूरा दिन ट्रेनों का आना जाना लगा रहता है। तो ये देखिए, इस तरीके से टीन सेट पड़े हुए हैं बड़े बड़े, और ये यहाँ पे टिकट मिलते हैं अब, जिससे पहले जो मैंने दिखाया था ना वहाँ पे मिलते थे, और अब जो है यहाँ पे एक साइड से बना दिया गया है टिकट मिलने के लिए, तो यहीं पे टिकट वगैरह मिलते हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, और ये सारा कुछ मतलब जो है अभी कुछ ही दिन पहले बनाया गया है, क्योंकि 2-3 साल पहले कोरोना के पहले जब मैं जाती थी लखनऊ ना, तो टिकट मैं वहीं से ख़रीदती थी जो मैंने आपको पहले दिखाया था, और अब टिकट यहाँ पर मिल रहे हैं। तो गुप्ता जी लाइन में लगे हुए हैं और टिकट ले रहे हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ। और ये देखिए, यहाँ पे भी इस तरीके से ऑटो खड़े रहते हैं, तो ऑटो की यहाँ बिल्कुल भी समस्या नहीं होती। और अभी ये सुबह सुबह का 7:30 बजे का लगभग ये है व्यू, और आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये बना हुआ है इंक्वायरी रूम यानी कि पूछताछ कक्ष। और अब जा रहे हैं हम लोग सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो मैं ऊपर से थोड़ा सा व्यू आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से ट्रेन वगैरह यहाँ पे खड़ी रहती हैं, आती जाती हैं, तो सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि थोड़ी सी जानकारी मैं यहाँ पे आपको देना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जो हरदोई सिटी का ये रेलवे स्टेशन है ना, तो यहाँ पे इश्क ज़्यादे मूवी आप लोगों ने देखी होगी, अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा की जो थी ना, उसकी शूटिंग भी यहाँ पर हुई थी पूरे ये रेलवे स्टेशन पर। तो इसको जो इसका नाम भी चेंज कर दिया गया था, जो आप लोगों ने मूवी में देखा होगा ना, स्टेशन पे वो बोर्ड में लिखा हुआ नाम देखता है अलमोर, तो वो यही हरदोई सिटी हमारे सिटी का है, मतलब शहर में शूटिंग हुई थी, तो इसको हरदोई से अलमोर कर दिया गया था। तो सारे ये जितने जहाँ जहाँ पे हरदोई लिखा है ना, वहाँ पे सब कहीं अलमोर लिख दिया गया था। तो शायद ही आप लोगों में से कुछ लोगों को नहीं पता हो ये बात, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर देनी चाहिए। और ये देखिए, ये मैं जो अभी मैं खड़ी हूँ ना, ये छोटे वाले ब्रिज पे खड़ी हूँ, ये बड़ा वाला ब्रिज यानी कि जो स्टेशन से बाहर के मतलब साइड में है ना, जो बाहर से और बाहर को ही जाता है, और ये ट्रेनों के लिए जो चेंज करने के लिए होता है, उस पर मैं अभी खड़ी हूँ। तो मैं सारा कुछ आपको दिखाना चाह रही थी कि मतलब एक एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ और बताऊँ। और वीडियो पसंद आ रहा फ्रेंड्स, तो
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियो आपको इसी तरीके से मिलती रहें, क्योंकि अभी बहुत कुछ आपको दिखाना बाकी है। तो हम लोग कहीं जा रहे हैं आज, तो अभी हम लोग ट्रेन का कर रहे हैं वेट, अभी हमारी ट्रेन नहीं आई है, ट्रेन आने वाली है, जब ट्रेन आएगी तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी और कहाँ जा रहे हैं ये पता चलेगा आपको अगली वीडियो में। और ये देखिए जो मैंने आपको एक बार सीतापुर और नीमसार जाने वाला ब्रिज नहीं दिखाया था, शेयर किया था आपके साथ, तो ये भी यहीं से दिख रहा है। और ये देखिए ये जो हरदोई लिखा है यहाँ पे सारी जगह पे अल्मोर लिख दिया गया था जब यहाँ पे शूटिंग हो रही थी, तो पूरे प्लेटफार्म पे यहाँ पे शूटिंग हुई थी। और जो मैंने अभी आपको थोड़ी सी रोड दिखाई ना, जो जेल रोड जाती है वहाँ पे भी शूटिंग हुई थी, यहाँ की जो मार्केट है वहाँ पे भी थोड़ी सी शूटिंग हुई थी। और ये देखिए यहाँ पे रेलवे सुरक्षा बल, मतलब सारा कुछ मैं आपको एक एक चीज़ दिखाना चाहती थी किस तरीके से हमारा स्टेशन है ये, और सारी सुविधाएँ आपको मिलेंगी यहाँ पे, हरे भरे पेड़ वगैरह और खूब डस्टबिन वगैरह भी रखे हुए हैं, काफ़ी बड़ा प्लेटफार्म है। तो ये काफ़ी बड़ा जैसे प्लेटफार्म है ना, ये देखिए अभी भी ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन नहीं मालगाड़ी है, एक आ रही है एक जा रही है, तो इसी तरीके से पूरा दिन यहाँ पे ट्रेनों का आना जाना लगा रहता है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये देखिए टीन सीट के नीचे कुछ पैसेंजर यानी कि यात्री लोग बैठे हुए हैं ट्रेन के इंतज़ार में, और हम लोग भी बैठे हैं ट्रेन के इंतज़ार में, ट्रेन कब आएगी और कब हम लोग जाएंगे। तो ये देखिए ये कोई दूसरी ट्रेन आई है, ये कुछ लिखा हुआ है यहाँ डिब्रूगढ़ और लालगढ़ से ये ट्रेन आई हुई है, कहाँ है मुझे तो पता नहीं कहाँ है। फ्रेंड्स अभी हमारी ट्रेन को आने में समय था, लगभग 15 से 20 मिनट लगने थे, तो मैंने सोचा कि आपको ये बड़ा वाला ब्रिज भी दिखा देती हूँ जो कि स्टेशन से बाहरी के हिस्से में से शुरू होता है और बाहर के हिस्से में ही ख़त्म होता है, यानी कि स्टेशन से बाहर से आप चढ़ेंगे और बाहर ही को ये ब्रिज जो है आपको उतारेगा जाके। तो अभी टाइम था मेरे पास तो मैंने सोचा कि इसकी भी थोड़ी सी शूटिंग कर लेती हूँ और आपको आपके साथ शेयर कर देती हूँ, तो शायद आपको पसंद आए, अच्छा लगे वीडियो। तो फिर आपसे बोलना चाहूँगी कि अगर वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यहाँ पे ये देखिए कुछ इस तरीके से बोर्ड छोटे छोटे लगे हुए हैं, खतरा वोल्टेज इस तरीके से, शायद इसमें करंट आता हो तो मतलब इसको छूना नहीं है। और ये देखिए साइकिल को भी इस पर चढ़ा लाते हैं लोग, ये देखिए। और ये देखिए बाहर की तरफ ये पूरा ब्रिज जाके उतरेगा, तो मैं आपको पूरा दिखाऊँगी और फिर हम लोग नीचे से ही साइड से ही चले जाएँगे फिर से अपने जहाँ पे हमारी ट्रेन मिलेगी। ये देखिए ये पूरा बाहर से मतलब चढ़ते हुए हम लोग बाहर की तरफ उतर के आए। और ये देखिए छोटा वाला ब्रिज जो मैं आपको दिखा रही थी। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे पहले मतलब जब हम लोग लखनऊ जाते थे मतलब आज से लगभग 2-3 साल पहले, तो यहाँ पे छोटी सी एक मजार भी हुआ करती थी मतलब पीर बाबा की, तो हम लोग पहले आते भी थे यहाँ पे, लेकिन वो मैं देख रही थी लेकिन अब कहीं पर दिख नहीं रही है, वो शायद बंद कर दी गई, लोग बता रहे थे कि बंद कर दी गई है, पूछा तो मैंने, वो कह रहे थे कि अब नहीं ये बंद कर दी गई है। तो बताइए अब कि मतलब ये अच्छा हुआ नहीं हुआ, तो मुझे तो ये सही ठीक नहीं लगा कि मतलब ठीक है कोई भी अगर मुसलमान हो या हिंदू हो, सबकी अपनी अपनी आस्था जुड़ी होती है हर किसी से, तो मुझे तो ये चीज़ सही नहीं लगी कि अगर आप मतलब बता रहे थे बहुत पुरानी मजार यहाँ पे बनी हुई थी और उसको बंद कर दिया। तो ये देखिए हमारी ट्रेन आ चुकी है और हम लोग जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, तो कहाँ जा रहे हैं ये पता चलेगा आपको अगली वीडियो में।
तो फ्रेंड्स जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो में जो आपको देखने को मिलेगा वो ट्रेन का सफर देखने को मिलेगा, किस तरीके से हम लोग सफर कर रहे हैं। और ये वाला फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।